हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको यूपीएल लिमिटेड कंपनी ने जो भी डिविडेंड रिकमेंड किया है, जो भी रिकॉर्डेड फिक्स किए हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, कंपनी ने जो डिविडेंड रिकमेंड किया है वो किया है ₹10 पर इक्विटी शेयर। कंपनी के शेयर का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 693 रुपीज के अराउंड। तो इस हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो बनता है 1.4% के अराउंड। अब देखते हैं रिकॉर्डेड क्या फिक्स की गई है। देखिए कंपनी ने जो एजीएम के लिए डेट फिक्स की है वो की है 12 अगस्त। देखते हैं कंपनी उसमें डिविडेंड को डिक्लेयर करती है या नहीं करती। अगर कंपनी ने उसमें डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया तो उसके लिए जो रिकॉर्डेड रखी गई है वो आपको बता रहे हैं। कंपनी के बुक क्लोजर की डेट 29 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो रिकॉर्डेड बनेगी वो बनेगी 28 जुलाई। जो एक्स डिविडेंड डेट है वो बनेगी 27 जुलाई और जो लास्ट बाइंग डेट है वो बनेगी 26 जुलाई। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको यह शेयर 26 जुलाई जो उससे पहले खरीदना होगा, तभी यह शेयर 28 जुलाई तक आपके डीमैट अकाउंट में आ पाएगा और आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। डिविडेंड लेने के लिए आपको यह शेयर 27 जुलाई जो उसके बाद बेचना होगा। अगर आप 27 जुलाई को भी शेयर को बेचते हैं तब भी डिविडेंड आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं डिविडेंड पे करने की डेट क्या है। देखिए डिविडेंड पे करने की कोई भी डेट फिक्स नहीं की गई है। अगर कंपनी ने 12 अगस्त को डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो हो सकता है डिक्लेरेशन के बाद विद इन 1 मंथ मींस 12 सितंबर तक डिविडेंड हो सकता है आपके अकाउंट में पे हो जाए। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तब हम आपको बता देंगे। हमारी और ज्यादा वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।